गुड मॉर्निंग रितेश, हाउ यू? आई एम गुड, थैंक यू सो मच. मेरी आईज अभी बेटर है, थैंक यू फॉर आस्किंग. गुड मॉर्निंग. ओके, सो आज हम क्लास 2013 का लीगल रीजनिंग का जो क्वेश्चंस बच रहे थे वो कोशिश करेंगे कि पूरी खत्म कर ले. 3 months आर रिमेनिंग. आई होप यू गाइज आर प्रिपेयरिंग वेल. आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, आप बहुत सीरियस होने का टाइम आ गया. अच्छे से क्लैट के लिए प्रिपेयर करिए, क्योंकि ये 3 months में आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके साथ और भी बच्चे कर रहे होंगे और आपकी प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा मैटर करने वाली है. तो अच्छे से तैयारी करिए, रिवाइज करते रहिए, जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाला है. नोट्स बनाइए. मेरा नाम कृति भटनागर है. मैंने अपना BLLB NLU भोपाल से किया है, मास्टर्स GNLU गुजरात से किया है, क्लियर UGC नेट इन 2020 एंड मेरी क्लैट रैंक 339 थी. गुड मॉर्निंग हर्षित, हाउ यू? थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू वेरी वेरी मच. बहुत ज्यादा सिलेबस है, बहुत कम टाइम है एंड वी आर गोइंग टू कवर इट ऑल. लोग 1 महीने में भी क्लैट निकाल लेते हैं, तो हमारे पास तो 3-3 महीने है. हम बहुत अच्छे से प्रिपेरेशन करने वाले हैं और अपनी सीट पक्की करने वाले हैं फॉर NLU. एक्सक्लूसिव क्लैट बैचेस अनअकैडमी ऐप पर शुरू हो गया. आज मेरी क्लास है एवरीवन. आई हैव माय क्लास ऑन अनअकैडमी ऐप. इफ यू आर नॉट डाउनलोडेड द ऐप, प्लीज डू downloaded. Good morning, Vishu. How are you? Thank you so much. Thank you very, 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 very much. So, अलग अलग courses start हो चुके हैं. Elite का अलग है, CLAT का अलग है. अगर आप किसी particular exam पे focus करें तो आप वो भी कर सकते हैं. Good morning, Subhek. How are you? Championship mock test for CLAT 2021 has happened. इसके आप questions देख सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी तैयारी कैसी है. फिर से इस exam को आपने जो भी question गलत किए होंगे उनको देखिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपको वो question गलत नहीं करने हैं. रोज सेक्शनल टेस्ट सीरीज होता है. किसी पर्टिकुलर सेक्शन में अगर आप वीक हो तो उसमें आप अपने आप को सही कर सकते हो. गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग अहमद, हाउ यू? मैं अच्छी हूँ अभिषेक, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग. गुड मॉर्निंग उत्कर्ष, हाउ यू? एंड सेक्शनल टेस्ट सीरीज और चैंपियनशिप मॉक टेस्ट सीरीज भी हो रही है अनअकैडमी ऐप पर. अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है, डू डाउनलोडेड दीज टेस्ट आर फॉर फ्री. दे विल हेल्प यू अ लॉट लॉट लॉट. इसमें आपको सेक्शनल टेस्ट बेस्ड क्लैट पैटर्न के बेसिस पर प्रैक्टिस करने को मिलेगा. टेस्ट टेकिंग टाइम इंप्रूव कर सकते हो. टाइम बाउंड टेस्ट है, तो आपको ऐसा भी नहीं है कि आप 1 घंटा लगा दो आधे घंटे के चक्कर में. रीडिंग स्पीड भी बढ़ेगी आपके. एक सब्जेक्ट के ऊपर आपका फोकस रहेगा. किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक हो तो वो भी आप अच्छे से अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस जान सकते हो, उसको बेटर कर सकते हो. डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा हर टेस्ट के बाद. तो रोज ही आपको जिस दिन टेस्ट होगा उसी दिन एनालिसिस भी मिल जाएगा. ऐसा नहीं आपको वेट करना पड़ेगा, आप भूल जाओगे. आप उसी दिन देख सकते हो आपने क्या क्या गलती करी है और क्या क्या सही करा है और उसमें और क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है. ये वो टेस्ट सीरीज है जो रोज रोज होती है. सो यू कैन गो ऑन द ऐप एंड देन गिव द टेस्ट सीरीज ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी हर सेक्शन में कैसी कैसी तैयारियां है. रिवाइजथॉन हैज एंडेड बट 28 डेज के क्वेश्चन है आपके पास. इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो चुकी होगी आपकी. तो जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ज्यादा प्रैक्टिस प्लीज करिए. हेलो रितेश, हाउ यू? थैंक यू सो मच रितेश. गुड मॉर्निंग राहुल, हाउ यू? गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग ऋषिका, गुड मॉर्निंग रोशन, हाउ यू ऑल? गुड मॉर्निंग शिखा, कैसे हो आप सब? लाइव क्लासेस होती है, इवेंट्स होते हैं, मल्टीपल कोर्सेज होती है, स्ट्रक्चर्ड मटेरियल मिलता है आपको. तो प्लीज डाउनलोड द ऐप, उस पर आपको मटेरियल मिल जाएगा. जिस भी एजुकेटर से आप पढ़ना चाहते हो आप उनसे भी पढ़ सकते हो. डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, लाइव मॉक टेस्ट सीरीज होती है. और अगर आप क्लैट का सब्सक्रिप्शन लेते हो, द 3 month सब्सक्रिप्शन इज वेरी वेरी गुड फॉर राइट नाउ. सिर्फ 11,250 यू अप्लाई माई कोड विच इज कृति बी एंड दिस विल रियली हेल्प यू बिकॉज क्लैट की प्रिपरेशन के लिए ऑफ कोर्स यू नीड लिटिल गाइडेंस. और इस पर हम स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ेंगे जैसे क्लैट के लिए पढ़ाई करनी चाहिए. सो वील स्टार्ट टूडेज क्लास विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एवरीबडी. गुड मॉर्निंग वैदेही, मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग बेटा. हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग अनुराग, गुड मॉर्निंग देव, गुड मॉर्निंग ज्योति. ओके सुबेक, ग्रेट, दैट्स वेरी वेरी गुड. हमारी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी नेक्स्ट मंथ से एंड वील हैव अ स्ट्रक्चर्ड क्लास और पूरे अच्छे से तैयारी करेंगे हम क्लैट की. हर्षित से सी इज द आंसर. ओके, थैंक यू रोशन, थैंक यू सो मच. गुड मॉर्निंग साक्षी, हैप्पी वुमेन्स डे, थैंक यू, थैंक यू. गुड मॉर्निंग वैष्णवी. I'll say C. Happy Women's Day आप सबको, आप सबकी लाइफ में, आपकी जितनी भी ऑल द वुमेन दैट यू नो, हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ देम. उत्कर्ष, ऋतिक, अभिषेक से C, ज्योति से C, रोशन से C.
अनुराग से सी. एनीबडी एल्स वॉन्ट्स टू आंसर? साक्षी से सी. ओके आई एम गिविंग 10 मोर सेकेंड्स. रितेश, पूजा से सी. आज सब जल्दी उठ गए हैं. लॉट ऑफ पीपल इन द क्लास इन द मतलब फर्स्ट 9:05 पे. आयुष ऑल्सो से सी. सी इज द करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही. आपने सीधा सीधा प्रिंसिपल को फैक्ट्स में अप्लाई किया है. हुएवर वॉलंटरली हैज कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर विद एनी मैन वुमन एनिमल शैल बी पनिश. दिस वॉज बेसिकली डीक्रिमिनलाइज. लेकिन इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है. अब पहले ये क्रिमिनलाइज था तो पहले ऑब्वियसली दिस वुड हैव बीन कोर्ट विल पनिश द मैन. अगर लेकिन यहाँ पे होता शैल नॉट बी पनिश्ड तो विल नॉट पनिश होता है ना. अब ये डीक्रिमिनलाइज हो चुका है. पहले ये क्रिमिनलाइज था. नाउ इट हैज बीन डीक्रिमिनलाइज्ड. ग्रेट. 177 सेक्शन 377 है वो है ना आईपीसी. ओके ओके ग्रेट. आज आई गॉट अ प्लेट. फाइव एएम बाय गॉड. काफी डेडिकेशन. वेरी गुड. वेरी वेरी गुड. इट्स अ वेरी वेरी गुड हैबिट. एंड टुमारो वी हैव अ क्विज, मेगा क्विज ऑन अनअकैडमी ऐप. आई होप आप लोगों ने उसमें एनरोल करा लिया है. बहुत ही मजेदार क्विज होने वाली है. वील हैव अ फन सेशन. वील हैव अ लॉट ऑफ मतलब 50 क्वेश्चंस आई हैव फॉर टुमारो. अगर खत्म नहीं कर पाते हैं तो हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. आई होप यू ऑल विल बी देयर. हां जी सिविल लॉ पे है. हर्षित डी, शिखा डी, राहुल डी, अभिषेक रोशन डी, रितेश सेज डी. कमिटेड द ऑफेंस ऑफ किलिंग ऑफ हिज फादर. ये तो बहुत आसान सा सवाल है. जो भी कॉज करता है एक सर्टेन इफेक्ट, अटेम्प्ट टू कॉज दैट इफेक्ट इज एन ऑफेंस. बेसिकली अगर कोई भी उत्कर्ष सेज डी, वैष्णवी सेज डी. हाँ जी, ए ने क्या किया यहाँ पे? फूड नहीं दिया और उसकी वजह उसके बाद उसे उनको मारा भी. कॉन्सिक्वेंटली ए फादर डाइड. ऑब्वियसली दीज टू फैक्ट्स लेड टू द डेथ ऑफ द फादर. सो ए कमिटेड द ऑफेंस ऑफ किलिंग ऑफ हिज फादर. बिल्कुल सही. ज्योति अहमद वैदेही बिल्कुल बिल्कुल सही. कमिटेड द ऑफेंस ऑफ किलिंग ऑफ हिज फादर. ओके क्वेश्चन नंबर 178 ऑन योर स्क्रीन एवरीबॉडी. डी बिल्कुल सही. पूजा सुबेग बिल्कुल बिल्कुल सही. एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस. बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार. और बाय द वे कल की क्विज इंसेंटिवाइज्ड है. आई होप आपने अपने फ्रेंड्स के साथ वो क्विज शेयर करी है. आई विल इंसेंटिवाइज इट फॉर द टॉप 3 स्टूडेंट्स. अगर 100 स्टूडेंट्स होते हैं तो. सुबेग सेज ए. ओके यहां थोड़ी मैथ्स लगेगी. 2005 2011. ऋषिका सेज ए. वैदे सेज ए. शिखा सेज डी. ए हैज नॉट कमेंटेड. ए वॉज अ माइनर. ओके अनुराग सेज ए. हर्ष सेज डी. ज्योति सेज ए. विशु सेज ए. अभिषेक, अहमद, रोशन सेज ए. उत्कर्ष सेज ए. राहुल सेज डी. शिखा वैदेही सेज डी. हाँ अगले दिन बेचारे का बर्थडे था. बेटा प्लीज रीड दिस ऑल्सो. जो लोग ए बोल रहे हैं प्लीज सारे ऑप्शन पढ़ा करो. हमेशा बोला है मैंने जिस ऑप्शन में सबसे ज्यादा लीगल लैंग्वेज दिख रही हो वो ऑप्शन सही होता है. रितेश वैदेही सुबेग सेज डी. इसलिए हमें पीवाई क्यू करने होते हैं पता है. लॉट ऑफ टाइम्स हम पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते जल्दी आंसर करने के चक्कर में. हर्षित यस. मोर वर्ड्स मोर एक्सप्लेनेशन. वैष्णवी ऋतिक उत्कर्ष सेज डी. सुबेग डी. ज्योति सेज डी. यस यस आई एब्सोल्युटली अग्री विद ऑल ऑफ यू. ए इज ऑल्सो द आंसर. बट किस में ज्यादा एक्सप्लेनेशन है फॉर व्हाट हैपेंड फॉर द क्वेश्चन? डी में ज्यादा एक्सप्लेनेशन है. मैंने आपको बताया, मैंने वीडियो में भी बताई है ये चीज. हो सकता है दोनों आंसर सही हो लेकिन जिसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे रखा होगा, जिसमें ज्यादा अच्छी लीगल लैंग्वेज होगी वो आंसर होगा. ठीक है. पूजा ऋषिका डी इज द करेक्ट आंसर. शिखा बिल्कुल सही. एब्सोल्युटली वेरी गुड. चलो 179 गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी.
हाँ जी शिखा, बिल्कुल आपने सबसे पहले आंसर दिया। एज एज 6 ईयर्स, अगले दिन वो 7 साल का होने वाला था, तो उसने सोचा कि चलो मुझे लॉ पता चल गया है, 7 साल का मैं कल हो जाऊंगा, आज अपन थोड़ा लेट्स जस्ट किल। पैक्ट का है, पैक्ट पैक्ट होता है बेटा प्रॉमिस काइंड, मतलब ऐसे पैक्ट बना लेते ना। हर्षित ये वाला क्वेश्चन भी कर पेपर भी कर चुका है बेटा तू, क्या मतलब क्या समझूं मैं। गुड मॉर्निंग विक्रम, थैंक यू वेरी वेरी मच, ग्रेट डे टुडे, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मार्च 8th, उत्कर्ष सेज ए, अनुराग सेज बी, साक्षी सेज डी, ये तो बहुत ही मिक्स्ड आंसर्स हैं। हर्षित सेज सी, राहुल से सी, प्लीज रीड द क्वेश्चन वंस अगेन एवरीबॉडी, फिर से सवाल को पढ़िए और सवाल को समझने की कोशिश करिए, शायद सही जवाब जरूर आएगा। हाँ क्वेश्चन 178 वही था, बिल्कुल सही, रितेश हैज गॉट द, मतलब उस रितेश को क्वेश्चन समझ में आया। अभिषेक अनुराग से सी, रितेश से ए, अ पैक्ट अदर देन अ पैक्ट टू कमिट सुसाइड टू सफर एनी हार्म इज नॉट एन ऑफेंस। अगर दो लोग पैक्ट करते हैं कि चलो एक ऑफेंस, मतलब एक दूसरे को कुछ खेलते हैं जैसे रेसलिंग करते हैं, ठीक है, और उसमें एक दूसरे को चोट लग जाती है, तो वो यूजुअली एक ऑफेंस नहीं होता क्योंकि दोनों की कंसेंट से हो रहा है, ठीक है। दिस इज वॉट इट इज ट्राइंग टू से, प्रोवाइडेड, इसमें प्रोवाइडेड क्या है, एज ऑफ द पर्सन हु हैज गिवन हिज कंसेंट टू सफर हार्म इज अबव 18 ईयर्स। 18 ईयर्स से छोटा इंसान अगर अपना कंसेंट देता है कि हाँ भाई आओ मुझे मारो, तो वो कंसेंट नहीं मानी जाती है, ठीक है, वो कंसेंट नहीं मानी जाती है। तो ए इंटर्स इन टू अ पैक्ट विद बी, यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी के साथ पैक्ट कर रहा है, बी कौन है, 18 साल से छोटा है, तो टू फेंस विद ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट, खेलने के लिए ऐसे एक दूसरे को मार रहे थे। यहाँ पे उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, कुछ भी अगर चोट भी लगेगी तो हम सफर करेंगे विदाउट फाउल प्ले, लेकिन वो 18 से छोटा है ना, उसने ऐसे अच्छे कंसेंट में बोला, गलत में बोला, क्या फर्क पड़ता है। रोशन से डी, पूजा से ए, विक्रम से सी, साक्षी से डी, गुरसिमरन से सी, बेटा सी होगा ना, अगर वो फेयरली करते करते भी मार देता है तो ए कमिट्स एन ऑफेंस, अनफेयरली तो वैसे भी है ही, लेकिन फेयरली में भी तो ऑफेंस होगा ना, क्योंकि वो 18 साल से छोटा है। टू सफर एनी हार्म इज नॉट एनी ऑफेंस प्रोवाइडेड, यहाँ पे इन दोनों ने पैक्ट किया ना कि हम विदाउट फाउल प्ले करेंगे और फिर एक दूसरे को मारेंगे तो कोई ऑफेंस नहीं होगा। ऋतिक क्वेश्चन ये बोल रहा है, ए और बी पैक्ट करते हैं, ठीक है, ऋतिक ऋतिक और उत्कर्ष का पैक्ट है कि चल एक दूसरे को मारते पीटते हैं और उसमें अगर कोई चोट भी लग जाए तो कोई हार्म नहीं होगा, ठीक है, मतलब कोई किसी पे केस नहीं करेगा, लेकिन जो ऋतिक है वो 18 साल से छोटा है, तो यहाँ पे ऋतिक ने जो बोल दिया ना कि मेरी कंसेंट है, वो कंसेंट मानी नहीं जाएगी, ठीक है। अगर आप 18 साल से छोटे होते हो और आप कंसेंट देते हो खुद को हार्म करने के लिए, उस कंसेंट को माना नहीं जाता। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो उस केस में अगर ऋतिक को चोट लग जाती है तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर मतलब फेयरली खेलते खेलते भी कोई अगर उत्कर्ष की बुरी इंटेंशन नहीं है, तब भी अगर ऋतिक को चोट लग जाती है तब भी यहाँ पे ऑफेंस कमिट कर देगा उत्कर्ष, क्योंकि यहाँ पे ही बोला गया कि 18 साल से छोटे इंसान की कंसेंट मायने नहीं रखती, ठीक है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, समझ में आया वाई सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तुमने ए बी सी डी सारे ऑप्शन लगा दिए मेरे को इस क्वेश्चन में, तुम्हारा थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन आता है ना, तुम सब गड़बड़ करने लग जाते हो। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही तो सुधरते हैं, ऐसे ही तो समझते हैं। चलिए चलिए अगले सवाल की तरफ, अरे ये तो बहुत ईजी है, ये हर साल आता है, ये सवाल हर साल आता है। हाँ बताओ, बिलो 18 वालों की वैल्यू ही नहीं है बातों की, कंसेंट की। यस बिकॉज ही वॉज माइनर, एब्सोल्यूटली करेक्ट अपनार्थ। आई होप अभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, पिछले वाला रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझ लेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल में सबसे ज्यादा समझ में आता है। चलिए उत्कर्ष से इज बी, राहुल से इज डी, एक बोल रहा है करा है ऑफेंस, एक बोल रहा है नहीं किया है ऑफेंस, या तो बी है आंसर उत्कर्ष या फिर डी है आंसर। हर्षित से इज डी, अभिषेक से इज डी, प्राइवेट डिफेंस का प्रिंसिपल है बेटा कि प्राइवेट डिफेंस अलाउड होता है। गुरसिमरन पीडीएफ चाहिए इसकी भी,
वैसे आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, बाकी मैं भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, आई विल प्रोवाइड इट। उत्कर्ष सेज डी, रोशन सेज डी, अनुराग सेज डी, ज्योति विक्रम सेज डी। उससे मुझे याद आया कि मुझे 7 बजे क्लासेस वालों का भी PDF डालना है। आई रिमेम्बर, आई डू इट एब्सोल्युटली। श्रिका रितेश, ऋषिका सेज डी, डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बी हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस, क्योंकि यहाँ पे उसने क्या किया है, यहाँ पे उसने प्राइवेट डिफेंस में एक्सरसाइज की है ये पावर, अपनी लाइफ सेव करने के लिए किया है, विच इज अलाउड, सो इट विल नॉट बी एन ऑफेंस। एब्सोल्युटली करेक्ट एवरीवन, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। है नॉट इंसैनिटी, हाँ तो ए है ना बेटा, ए इंसैनिटी में है ना, ए इंसैनिटी में अटेम्प्ट करता है बी को किल करने के लिए, और बी अपनी लाइफ को सेव करने के लिए, बी की कोई लायबिलिटी नहीं होगी ना। हर्षित कोई डाउट है क्या? नोवा डी वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर द लास्ट क्वेश्चन बेटा, बिल्कुल बिल्कुल सही। चलिए 181 और नाइस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी हर साल आ जाते हैं। यस, इट्स बैक एंड फोर्थ। चलो फिर ठीक है, मेरे को लगा तेरे को कोई डाउट है। चलो डाउट नहीं होना चाहिए, बस समझ में आनी चाहिए बात। चलिए आगे बढ़ते हुए, उत्कर्ष सेज सी कैन नॉट बी अ फ्रॉड बिकॉज ए सेज नथिंग अबाउट द मेंटल कंडीशन ऑफ द हॉर्स। बेटा ये वो क्वेश्चन नहीं है जो तुम हर पेपर में पढ़ते हो, दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। हर्षित सेज ए, अपना सेज सी। बेटा दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन देन द यूजुअल क्वेश्चन दैट वी डू, प्लीज रीड द फैक्ट्स अगेन। उस वाले क्वेश्चन में वो कुछ बोलता ही नहीं है और उससे वो कुछ पूछता भी नहीं है, जिसके हिसाब से तुम इसका आंसर लगा रहे हो। 181 राहुल से सी ए, अभिषेक से सी, सुबेक से डी। बस यहाँ तुम घबरा गए, यहाँ हम घबरा गए, यहाँ पे ए बी सी डी सब आएगा अभी। ज्योति से ए, बेटा बी नहीं लगाया किसी ने, अच्छा बी कोई नहीं लगाएगा क्योंकि मिस रिप्रेजेंटेशन का प्रिंसिपल ही नहीं है। कोई बात नहीं। नो आई हैव नॉट, अपना दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आई हैव नॉट डिस्कस दिस क्वेश्चन बिफोर, दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, प्लीज रीड द लाइन अगेन। सुबेक से डी, ज्योति से ए, अनुराग से सी, साक्षी सेज बी, गुरसिमरन सेज ए, पूजा सेज ए, ऋषिका सेज डी। सबने सारे आंसर लगा दिए। मियर साइलेंस एज टू फैक्ट्स लाइकली टू अफेक्ट द डिसीजन ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। ठीक है, चुपचाप बैठे रहो फ्रॉड नहीं है। अनलेस द साइलेंस इज इन इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच, अनलेस मतलब प्रोवाइडेड है, ठीक है, इसका एक प्रोवाइजो है। क्या बोलता है कि जब तक आपका चुप रहना अपने आप में स्पीच ना बन जाए तब तक फ्रॉड नहीं होता। क्या उसका चुप रहना, साक्षी ने डिलीट क्यों कर दिया भाई, मैं क्या हो गया? कोई बात नहीं, मैं समझा रही हूं बस सवाल। ए सेल्स टू बी अ हॉर्स विच ए नोज टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड। भाई ए को पता है कि वो अनसाउंड माइंड का है, बी बोलता है कि अगर तू कुछ बोलेगा नहीं ना तो मैं मान लूंगा कि हॉर्स साउंड माइंड का है। तो यहाँ पे तो उसकी जो चुप्पी थी, यहाँ पे जो उसका साइलेंस था, वो तो इक्विवेलेंट था ना स्पीच के। सामने वाले ने बोला ना कि अगर तू कुछ नहीं बोलेगा तो मैं मान लूंगा कि वो साउंड माइंड का है। तो यहाँ पे तो ए कमिटेड फ्रॉड ना, ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे तो उसने मेंटल कंडीशन को लेके चुप रहा और सामने वाले ने बोला था चुप रहेगा तो मैं मान लूंगा साउंड है, जबकि उसको पता था अनसाउंड है। तो यहाँ पे क्या हुआ, साइलेंस इक्विवेलेंट हो गया टू स्पीच। तो यहाँ पे क्या होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया? अगुर सिमरन, पूजा बिल्कुल सही, ऋषिका बेटा ए आंसर है, विक्रम ए आंसर है, नोवा बिल्कुल सही, एंड उत्कर्ष बेटा ए आंसर है, रोशन ए आंसर है। अच्छा ए ही टाइप कर रहे थे, ए बिल्कुल सही आंसर है। रोशन ने क्या लिखा है, थैंक यू रोशन, थैंक यू वेरी मच। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। हाँ रोशन, मैंने पढ़ लिया आपका मैंने कोट पढ़ लिया बेटा, थैंक यू वेरी 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 मच, थैंक यू वेरी मच। चलो रीड द प्रिंसिपल, रीड द फैक्ट्स। आप लोग मेरी क्लास में आते हो, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। चलो
इजी क्वेश्चन है। ऑप्शंस पढ़ लिया, लेट्स वेट फॉर 15 seconds, लेट्स गो टू द ऑप्शन इन 15 seconds। कोई बेचारे बच्चे अभी पढ़ रहे होंगे ना, फिर मेरे को बाद में पता है ये टेलीग्राम पे बच्चे मैसेज करते हैं, मैम आप इतनी जल्दी क्यों आंसर पे चली जाती हो, हम पढ़ ही नहीं पाते सवाल। मतलब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे आगे कुआं पीछे खाई वाली बात है। डन, ओके लेट्स वेट फॉर 5 more seconds, 5 4 3 2 1, ओके चलिए 182 का आंसर बता दो मुझे। इजी नहीं है, अरे बहुत इजी है अभिषेक, ये सवाल तो सबसे इजी है, यही तो सवाल है ना सबसे इजी है। ग्रेट, सबने पढ़ लिया, वेरी वेरी गुड। एक्शन वॉज अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट नॉट अगेंस्ट यूनिवर्सिटी सो नो हेट्रेड। अनुराग सेज ए, प्रोफेसर कमिटेड द ऑफेंस। नहीं नहीं ये थोड़ा ज्यादा हो गया अहमद, नॉट वॉट आई मेट। मैं ये बोलना चाह रही थी कि मतलब तुम लोग आंसर कर देते हो कि जल्दी बता दो आप आंसर, और कभी कभी बोलते हो थोड़ा रुक जाओ, तो मैं उसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ। बाकी यश मुखाते को हम सब सुनते हैं, आई अंडरस्टैंड। हर्ष सेज बी, साक्षी सेज ए, उत्कर्ष सेज बी, शिखा सेज ए, राहुल सेज बी, ऋतिक ए बी ए बी ए बी, ऋतिक सेज बी, गुरसिमरन, विक्रम सेज बी, रोशन सेज बी, अपना सुबह, रितेश, अभिषेक सेज बी। बी क्या है भाई, प्रोफेसर हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस। जो लोग बी बोल रहे हो क्यों बोल रहे हो बता दो। ज्योति सेज ए, हाँ ये मैं हूं, ये मेरा आंसर है और ये गलत है, बिल्कुल सही। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, प्रोफेसर हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस, क्योंकि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहा था। क्रिटिसाइज करना हमारी कंट्री में अलाउड है, सिटीशन इज नॉट अलाउड, विच इज बेसिकली हेट्रेड फैलाना। एंटी गवर्नमेंट पे आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, डिसेंटिंग ओपिनियन कर सकते हो, वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, बिल्कुल सही। बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है, प्रोफेसर लाइबल नहीं होगा, ठीक है। पूजा बेटा बी आंसर होगा, वैदेही बी, बी होगा सही। आयुषी गुड मॉर्निंग, हाउ यू, कैसे हो आप। चलिए वैदेही मैं आ गई, मतलब तू यहीं थी। अरे बट क्रिटिसाइज करना अलाउड है अनुराग, में सडिशन जब पढ़ाया था तुमको बताई थी ये चीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में क्रिटिसाइज करना वो अलाउड होता है, ठीक है। प्रिंसी बी बेटा बिल्कुल सही आंसर था, यस ही प्रैक्टिसेस हिज फंडामेंटल राइट्स। सुबह हर्षित क्या बोले, अच्छा ओ यस राइट, हाँ ये भी सही है। चलो 183 कॉपीराइट से रिलेटेड सवाल है। वैदेही सेज ए इन कैप्स लॉक, ओके। वैदेही से ए इन कैप्स लॉक अगेन, ओके। उत्कर्ष सेज ए, राहुल सेज ए, लाइसेंस शैल बी ग्रांटेड टू ओनली वन कंप्लेनेंट, ज्योति सेज ए, गुरसिमरन सेज ए, अहमद सेज ए, रितेश सेज ए, हर्षित सेज ए, टू और मोर पर्संस मेड अ कंप्लेंट टू द ग्रांट ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस विल बी ग्रांटेड टू दैट कंप्लेनेंट, जिस जो पब्लिक कॉपीराइट बोर्ड के ओपिनियन में सबसे बेस्ट है। शिखा सेज ए, वैष्णवी, अभिषेक, पूजा, ऋतिक, रोशन सेज ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि एक ही बंदे को मिलेगा, जितने भी लोग चले जाएंगे, बस कॉपीराइट बोर्ड जिसको बंदे को सही समझता है उसको लाइसेंस मिल जाएगा, बिल्कुल सही है ए ऑप्शन, आपने बढ़िया इन्फेरेंस निकाला, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। सरबजीत ए बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही, चलो वेरी गुड यार, आज काफी सारे आंसर सही हो रहे हैं सबके, बहुत ही शानदार। आयुषी ए करेक्ट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट, चलो 184 पे आ जाओ। प्रिंसी ए एब्सोल्युटली करेक्ट, मेरे को ऐसा लग रहा है आप लोगों की वीडियो शायद थोड़ी सी पीछे चल रही है, इसको थोड़ा सा टैप करके ना लाइव कर लेना, अगर लाइव नहीं है वीडियो तो। प्रिंसी बेटा ए बिल्कुल करेक्ट था, शिखा रट लिया है ना बेटा तूने ये वाला स्टेटमेंट, आपके स्टूडेंट्स है, आपके स्टूडेंट्स हैं।
अरे 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 अरे, नहीं, ये ज्यादा हो गया थोड़ा। इतनी भी इमोशन नहीं लानी थी। डन। क्या कर रहे हो तुम लोग सुबह सुबह 9 बजे, 9:30 बजे? चलिए जवाब। तुम लोग आज इतने वैसे वाले ऐसे चिल टाइप मूड में क्यों हो, जरा मुझे बताओ। व्हाट्स विद द चिल? वैदे ही बी लाइक कि बाकी सब छोड़ो मैम, मैं कैप्स में आंसर दूंगी 2 बार। वैदे से इज ए, सुबेक से इज ए, रोशन से इज ए। कैन सीज द गुड्स, कैन नॉट अरेस्ट, बी होगा। ओके, शिखा सेज ए, अभिषेक सेज ए, अपना सेज बी, ऋतिक सेज ए, अनुराग सेज वी। बेटा ये बढ़िया है, अनुराग नया ऑप्शन ले गया है। गुरसिमरन सेज ए, अनुराग सेज बी, वैष्णवी सेज ए। कल छुट्टी थी। रितेश सेज ए, उत्कर्ष सेज ए, ज्योति सरबजीत सेज ए। 184 इज ए, एब्सोल्युटली करेक्ट। अरेस्ट ऑफ द शॉप ओनर वॉज विद इन द पावर ऑफ द एसपी। बेटा यहाँ पे लिखा तो हुआ है एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ सब इंस्पेक्टर। एसपी सब इंस्पेक्टर के ऊपर की रैंक होता है। अगर वो खुद सेटिस्फाइड है कि ऑफेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंफ्रिंजमेंट इन दैट वर्क हैज बीन और इज लाइकली टू बी कमिटेड, सीज विदाउट वॉरेंट, वो सीज कर सकता है विदाउट वॉरेंट फॉर द मेक पर्पज वेयर एवर फाउंड, और उसके बाद उसे प्रोड्यूस करना पड़ेगा बिफोर अ मैजिस्ट्रेट। वहां तक तो हमारे फैक्ट्स पहुंचे ही नहीं। उसने रेड कंडक्ट करा, उसे पायरेटेड कॉपीज मिली, तो यहाँ पे उसने इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट का ओपिनियन फॉर्म कर दिया ही, दैट ही इज अरेस्ट ऑफ द शॉप ओनर वॉज विद इन द पावर ऑफ द एसपी। ए बिल्कुल सही है। ठीक है, वेदर अच्छा है आज। कहाँ पे है वेदर अच्छा बेटा? अनुराग कहाँ रह रहा है तू? शशांक ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। राहुल ए होगा आंसर बेटा। मंडे वाइब्स अच्छी कैसे हो सकती है? ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओ, आज की क्लास के लिए तो स्कूल नहीं गई भाई, मतलब रिस्पेक्ट। थैंक यू सो मच एवरीबडी, थैंक यू वेरी वेरी मच। आयुषी ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। राजस्थान में तो गर्मी होनी चाहिए अनुराग, सुबह गैस एब्सोल्युटली बहुत ही गर्मी हो गई है, यहाँ बारिश हो रही है। वैदे ही तू मेरे को डरा क्यों रही है, पहले तो मुझे ये समझा दे बेटा। मतलब मेरे को डर लगता है ना, इतने कैप्स लॉक में इतने सारे मैसेज ऐसे ऐसे अलग से दिखता है, क्यों, क्या किया है मैंने? दिल्ली में बारिश हो रही है, अच्छा ग्रेट यार, बढ़िया है। चलो ये दिल्ली है, ये हमारी बारिश है और यहाँ पारी हो रही है ऐसा। वैदे बेटा बेटा मैं तो डर जाती हूँ ना, ऐसे मत करो, ऐसे डर जाते हैं लोग बेचारे, छोटे छोटे बच्चे। अपना उसे सी, एब्सोल्युटली करेक्ट। कानपुर में भी मौसम अच्छा है। चलिए शशांक थैंक यू सो मच। भोपाल में तो बेटा मौसम अच्छा नहीं है, भोपाल में गर्मी कह रही है, अभी पार्टी हम करेंगे। पावरी टाइम, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। अपना अभिषेक से सी, शिखा से सी, राहुल से सी, हर्षित यस थैंक यू सो मच। कभी कभी ऐसे हो जाता है, सम गुड डेज। 185 ए हैज अटेम्प्टेड टू कमिट द ऑफेंस ऑफ स्टीलिंग, यस अटेम्प्ट अभी मैंने नहीं पढ़ा है। अच्छा मॉर्निंग के टाइम सब चिल होते हैं, कल 1 बजे की क्लास भी अच्छी ही होगी। आज भी है 1 बजे की क्लास वैसे। गुरसिमरन से बी, सरबजीत रोशन रितेश से सी, क्लास हो रही है। दिल्ली में भी सेम, ओके। प्रिंसी से सी, ज्योति वैष्णवी उत्कर्ष से सी। सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ए हैज अटेम्प्टेड टू कमिट द ऑफेंस ऑफ स्टीलिंग, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या है, डज इन सच अटेम्प्ट डज एनी एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस। ऑफेंस करने के लिए जैसे ही आप कोई भी एक्ट करते हो वहां पे अटेम्प्ट शुरू हो जाता है, तो ए मेक्स एन अटेम्प्ट, फैक्ट में लिखा हुआ है अटेम्प्ट, तो वो कर ही रहा है टू स्टील सम ज्वेल्स, लेकिन उसके बाद उसमें कोई ज्वेल नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे उसका क्या हो गया, अटेम्प्ट तो पूरा ही हो गया था है ना, क्योंकि अटेम्प्ट तो शुरू हो गया था। वैसे ही ए किसमें, बी और सी? बेटा अटेम्प्ट शुरू हुआ है ना, पूरा ऑफेंस अटेम्प्ट कब खत्म होता है, जब पूरा ऑफेंस कमिट हो चुका होता है। ऑफेंस ऑफ स्टीलिंग तो कमिट हुआ ही नहीं, उसे कुछ मिला ही नहीं, वो लेके ही नहीं गया ना, कुछ 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 था ही नहीं उसके पास स्टील करने के लिए ना बेचारे के पास, तो यहाँ पे मतलब उसने अटेम्प्ट किया स्टील करने का ना, क्योंकि अगर उसे कुछ मिल जाता उस बॉक्स में तो जो स्टीलिंग है, थेफ्ट है, वो तो कंप्लीट ही हो जाता, वो कंप्लीट नहीं हो पाया, और कंप्लीशन से पहले ही अटेम्प्ट होता है ना, तो अटेम्प्ट है यहाँ पे। सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। पूजा बिल्कुल सही। चलो 186, चलिए
आज डीपीएसपी पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, पहले हम समझेंगे डीपीएसपी, फिर वी विल डू द एमसीक्यू ऑफ डीपीएसपी, ठीक है। सो जो लोगों के पास अनअकैडमी ऐप नहीं है, अभी 27 लोग हैं क्लास में, तो प्लीज अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना, मेरी क्लास है 1 बजे, टेलीग्राम ग्रुप पे उसका लिंक आता रहेगा, तो उसमें आप आ सकते हो। वी हैव अ क्विज, वी हैव डीपीएसपी का डिस्कशन, एंड टुमारो वी हैव अ मेगा क्विज। आयुषी से सी, बेटा इस वाले का या पिछले वाले का, इसके तो मैंने ऑप्शन ही नहीं दिखाए। अगर ये पिछले वाले का है आयुषी, तो सी एब्सोल्युटली करेक्ट है, और अगर ये इसी क्वेश्चन का है, तो ये जो दिव्य शक्ति है आप में इसका आंसर बताने की बिना क्वेश्चन के, ये मुझे भी बताएं। वैदेही बेटा तुम लोग आंसर कैसे कर रहे हो, तुम लोग आंसर कैसे कर रहे हो है। नेक्स्ट पेज, यस नेक्स्ट पेज इज योर। Everyone present in the marriage started staring at Zed with great surprise. Zed felt ashamed. क्या होगा यहाँ पे? रितेश, I'll answer. Harshit says B. Abhishek says DB. Abhishek बेटा देख, A की ऑप्शन लगाने मिलेगा, वरना आंसर के मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छा डन का था ये। अनुराग says A. ज्योति says A. रोशन says A. हर्षित सेज ए, उत्कर्ष सेज ए, नहीं अभिषेक सेज ए, वैष्णवी सेज ए, ऋतिक सेज सी, ओके सुबेक सेज ए, बी ही होगा, उसने पब्लिश तो नहीं किया। सैमसंग सेज ए, सरबजीत सेज ए, प्रिंसी सेज ए, गुरसिमरन सेज बी, राहुल सेज बी। बेटा ये बी होगा ना, ए डिड नॉट डिफेम जेड, यहाँ पे जेड फेल्ट वेरी अशेम्ड से क्या फर्क पड़ता है, इस चीज से थोड़ी पड़ता है, फर्क पड़ता है कि उस सामने वाले को अशेम्ड लगा कि नहीं लगा, तो सी तो वैसे भी नहीं हो सकता। अहमद सेज ए, शिका सेज ए, प्रिंसी सेज डी, हर्षित सेज बी, अच्छा टाइपिंग, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। साक्षी सेज बी, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ए डिड नॉट डिफेम जेड, क्या बोल रहे हैं, हूएवर बाय वर्ड्स ईदर स्पोकन और इंटेंडेड टू बी रेड मेक्स और पब्लिशेस एनी इम्प्यूटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन इंटेंडिंग टू हार्म और नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट सच इम्प्यूटेशन विल हार्म द रेप्यूटेशन ऑफ सच पर्सन इज सेट टू डिफेम द पर्सन। यहाँ पे ही हैज नो, मतलब वो उसके उसको डिफेम करने के लिए नहीं कर रहे ना। देखो कम्युनिटी में कस्टम एग्जिस्ट करता है, ये वाली जो लाइन लिखी गई है ना, ये ऐसे ही नहीं लिख दी गई है मतलब तुम्हें ऐसे खुश करने के लिए कि हाँ ये देख लो, ये जानबूझ के ये फैक्ट में लिखा गया है कि इन अ कम्युनिटी देयर इज अ कस्टम ऑफ स्टीलिंग शूज ऑफ ब्राइड ग्रूम। अगर कस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो वो कस्टम के लिए करा है ना, उसने उसको डिफेम करने के लिए थोड़ी करा है। The first two lines are not written to make you familiarize with Hindu customs. It's written to, मतलब कोई रीजन होगा ना फैक्ट में लिखने के लिए, तो वो बताना चाहते हैं कि वो कस्टम है, वहां पे होती है ऐसी चीजें, तो यहाँ पे उसने उसको डिफेम करने के लिए नहीं किया है। ए डिड नॉट डिफेम जेड, हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें उसने पैम्फलेट छपवा दिए थे, पैम्फलेट छपवाना डिफेमेशन में आ जाता है, समझ आया? ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यार बहुत सारे मैसेज आ गए, रुको 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 एक मिनट। हेलो निशांत, गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ यू। अच्छा आयुषी पिछले का था, अच्छा फिर ठीक है। व्हाई नॉट ए, बिकॉज बेटा डिफेमेशन नहीं था ना, क्योंकि यहाँ पे कस्टम है, तो वो कस्टम के बेसिस पे कर रहा था, वो उसको इंटेंशन थोड़ी थी हार्म करने की। अनुराग पूरे फैक्ट पढ़ा कर, ठीक है। बी बिल्कुल सही था उत्कर्ष। पूजा सेज ए, बेटा बी आंसर है, हाँ सही बात है अनुराग, मैंने कराया था पैम्फलेट बटा था, रिमेम्बर दैट क्वेश्चन, मैंने कराया था पैम्फलेट बटा था उसने कि उसने चोरी करी है, वहां पे डिफेमेशन होगा, ठीक है। फैक्ट्स चेंज हो जाते हैं, आंसर चेंज हो जाता है, देयर इज नो जनरल रूल। आयुषी बी वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। वैदेही नहीं, मैंने नहीं कराया था बेटा, कहाँ पिछला वाला क्वेश्चन ना मैंने कराया था पैम्फलेट बटे, तुम लोग क्वेश्चन भूल जाते हो, तुम्हें सिर्फ एक चीज याद रहती है और फिर मेरे को बोलते हो कि आपने वो क्वेश्चन कराया था, उसके फैक्ट्स डिफरेंट है। वैदेही अनुराग बाकी सारे लोग, जहां पे फैक्ट्स बदल जाते हैं आंसर भी बदल जाता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ज्योति सेज ए, राहुल सेज सी, वैदेही सेज ए, प्रिंसी सेज बी, अच्छा 187, ठीक है वैदिक डरा मत यार, ओके आई अंडर, ठीक है ओके ओके, यस वो पैम्फलेट वाला था ऋतिक से सी, यस पैम्फलेट होगा तो अनुराग डिफेमेशन होगा। सरबजीत से सी, हर्षित से सी, क्या क्वेश्चन है यार, तुम लोग इतने सारे बोलती है कुछ कुछ, मैं क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाई। अच्छा ठीक है, इजी सवाल 187।
सुबेक सेज ए, आयुषी सेज सी, सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. बेटा एक बार प्रिंसिपल दोबारा पढ़ना, जो ए बी डी कह रहे हैं, ए या बी कह रहे हैं, प्रिंसिपल दोबारा पढ़ो. बट एन एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल फॉर नेग्लिजेंस इफ द विक्टिम इज वन ऑफ हिज अदर एम्प्लॉयज. क्या ए और बी दोनों उसके एम्प्लॉयज हैं? यस, उसी के एम्प्लॉयज हैं. तो वो उसके सर पे स्टोन गिरा देता है, तो ऑब्वियसली बात है ना, यहाँ पे वो नहीं कर सकता, क्योंकि ये बोल रहा है कि अगर दोनों ही उसके एम्प्लॉयज होंगे तो फिर नेग्लिजेंस के लिए लायबल नहीं होता. ओनर ऑफ द फैक्ट्री विल नॉट बी लायबल. यस, बोथ वर एम्प्लॉयज. सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. गुरसिमरन उत्कर्ष, बेटा सी होगा आंसर. अहमद, रितेश, सी इज करेक्ट. साक्षी, सी होगा. उत्कर्ष, पूजा, बिल्कुल सही, सी इज करेक्ट. ओनर नहीं होगा ना लायबल, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है एम्प्लॉयज होते हो तो फिर नहीं लायबल होता. ठीक है, जो प्रिंसिपल लिखा है वो लगाओ, वाइकेरियस लायबिलिटी का प्रिंसिपल नहीं है सीधा सीधा. ये शब्दों को ही तो पढ़ना है. तुम लोग ना, तुम लोग लॉ लगाने लग जाते हो. तुम मुझे एक बात बताओ, क्लैट वाले बोलेंगे इन बच्चों को तो लॉ आता है, हम क्यों नहीं इन्हें अपने कॉलेज में. सिर्फ प्रिंसिपल को फैक्ट्स में लगाओ प्लीज. समझ आया वाई द आंसर वो सी. अनुराग, ये ऐसी चीज प्रिंसिपल में लिखी हुई है बेटा, एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल फॉर नेग्लिजेंस. यूजुअली ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर प्रिंसिपल में लिखा हुआ है, मैंने क्या बताया है, अगर प्रिंसिपल में लिखी होती है कि मर्डर इज नॉट ऑफेंस, तो डू नॉट कंसिडर इट एज एनी ऑफेंस. प्रिंसिपल लगाओ सिर्फ. ठीक है, चलो, जनरली दैट्स नॉट द केस, बट प्रिंसिपल में लिखा था तो वील अप्लाई दैट. चलो, डैमेजेस आर द मनी रिकम्पेंस एज फार एज मनी कैन डू फॉर द वायलेशन ऑफ अ राइट. डैमेजेस क्या होते हैं? वो मनी होते हैं जो कंपेंसेट कर सकते हैं फॉर द वायलेशन ऑफ अ राइट. मतलब पैसे के थ्रू जब आप कंपेंसेशन प्रोवाइड करते हो उसे डैमेजेस बोलते हैं. ओके, अपना सेज ए, Samsung says A, Ayushi says A, injuria sign damn no, injury without damage, Arahul says A, Jyoti says A, Vedai says A, Roshan Abhishek says A, Ayushi says as there is no injury but damage. Okay. अरे ये तो बहुत ही easy सा है, ये तो हर 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 paper में हमने discuss किया है. गुरसिमरन, रितेश, उत्कर्ष, सुबेक, शिका सेज ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट. वो जो इंसान है वो इंटाइटल्ड होगा डैमेजेस के, क्योंकि यहाँ पे वोटिंग राइट उसका लीगल राइट होता है, लीगल राइट के इंफ्रिंजमेंट के लिए उसको डैमेजेस मिलेंगे. बिल्कुल सही बेटा. क्वेश्चन ये रहा है, मत कहाँ कहाँ क्वेश्चन बेटा, कहाँ है तू? अनुराग, शिका, बिल्कुल सही, लीगल राइट्स आर वायलेटेड हियर. सरबजीत, बिल्कुल सही, ए वॉज करेक्ट. चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये हर पेपर में आता है बेटा, ये हर पेपर में आता है एब्सोल्युटली. एग्जेम्पलरी डैमेजेस, टाइप्स ऑफ डैमेजेस जब हम करेंगे वी विल स्टडी दैट. थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा. ओके, अच्छा क्वेश्चन समझ नहीं आया बेटा, क्या क्वेश्चन था? अरे कि एक आदमी है उसको वोटिंग करने नहीं जाने दिया जाता, तो उसका लीगल राइट है ना वोट करना. तो इवन दो सामने वाली पार्टी जीत जाए या कुछ भी हो जाए, आपका वोटिंग लीगल राइट होता है. जो भी आपको नहीं जाने देता वो इंसान को आप पनिश करवा सकते हो, इवन तो आपको कोई ऐसा डैमेज नहीं हुआ है. अनेबल टू अंडरस्टैंड द फैक्ट. बेटा फैक्ट ये बोल रहे थे कि एक इंसान को वोटिंग करने नहीं जाने दिया गया, तो उसने दूसरे वाले पर्सन पे जिसने उसे नहीं जाने दिया उस पर केस किया. इवन तो उसको कोई ऐसे चोट वोट नहीं लगी ना इस केस में, लेकिन उसका लीगल राइट था ना कि वो वोट करने जाए, तो वो उसको नहीं मिला, तो वो लायबल होगा सामने वाला पर्सन. वेदई से सी, राहुल से सी, राइट टू वोट यस, अपना से सी, सरबजीत से सी. ये हाँ, ये हर बार पूछा जाता है. अभिषेक से सी, आयुषी, सुबेग, रोशन, हर्षित से सी. बी इज नॉट बाउंड टू वेट टिल जून 1. ओके, ये भी मैं करा चुकी हूं वैसे क्वेश्चन. उत्कर्ष से सी, शिका से सी. सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बी बाउंड नहीं है टू वेट टिल जून 1. बिल्कुल बिल्कुल सही. ज्योति से सी, गुरसिमरन, रितेश से सी. सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वो बाउंड नहीं है. ए ने क्या किया, देखो यहाँ पे बी को बोला कि तुम मेरे साथ काम करना जून 1 से, ठीक है, ऐसा अप्रैल 12 को बोला, लेकिन फिर ए ने बी को बोल दिया कि नहीं नहीं अब तुम नहीं चाहिए हो, निकलो यहाँ से. तो बी ने क्या किया, बी सी के पास चला गया ज्वाइन करने के लिए एम्प्लॉयमेंट. तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या कह रहा है, जब एक पर्सन रिफ्यूज कर देता है परफॉर्म करने के लिए, तो उसकी जो परफॉर्मेंस दूसरा जो पार्टी होती है
है वो कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है। सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट प्रीतेश, ऋतिक, अनुराग, वैष्णवी बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे बी ए ने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया था, ए ने रेसेंट कर लिया था कॉन्ट्रैक्ट को, तो बी के पास अब पावर थी कि वो किसी और को एम्प्लॉयमेंट में जा सकता है किसी और के पास। बिल्कुल सही सी आंसर। चलो 190। हेलो विदांश, गुड मॉर्निंग। पूजा सी बिल्कुल सही, आई थिंक सबको समझ में आ गया वो वाला क्वेश्चन। चलो 10 क्वेश्चन बचे हैं, आज ही खत्म कर लेते हैं इस पेपर को हम फटाफट से। बताओ अनुराग, ये कोई बात हुई? 12 हो गए अब। चलो प्रिंसिपल फैक्ट्स, ये क्वेश्चन भी हर साल पूछा जाता है, मतलब ये ना होली ग्रेल है, ये 3-4 क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो 3-4 मार्क्स तो तुम्हारे कहीं नहीं गए। ऑप्शंस, ओके 5 सेकंड्स मोर इफ समवन्स रीडिंग। चलो बताओ मुझे, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया क्या होगा आंसर? हाँ नहीं गए, अरे 3-4 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं अनुराग। आई रिमेम्बर मेरे 142 या 144 ऐसे कुछ मार्क्स थे, और मेरे से जिसके एक मार्क ज्यादा थे ना उसकी मेरे से 100 रैंक ऊपर थी, सिर्फ एक मार्क। बेटा 3-4 मार्क में आप टॉप हो जाते हो। यस दिस इज बेस्ड ऑन वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया, बिल्कुल सही। अपना वेदांश, सुबेग, उत्कर्ष, गुरसिमरन, रितेश, राहुल, आयुषी, वेदांश, ज्योति, अभिषेक, रोशन, वैष्णवी, उत्कर्ष, वैदेही, ऋतिक, ऋतिक सेज बी एब्सोल्यूटली करेक्ट, बी बिल्कुल सही है। एम कंपनी विल नॉट बी लायबल फॉर डैमेजेस बिकॉज ए हैड कम टू सी द रेस ऑन हिज ओन विल। बिल्कुल सही, आप यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उसने कंसेंट दे रखी है, जैसे ही उसने टिकट खरीदा ही कंसेंटेड टू द एक्ट, तो वहां पे कुछ भी होगा उसकी खुद की विल की वजह से हुआ, इसलिए द कंपनी विल नॉट बी लायबल। यस शिखा, सरबजीत, वेदांश, साक्षी बी इज एब्सोल्यूटली करेक्ट। चलो 191। No, I'm very serious about this, guys. Please understand, एक एक मार्क्स की लड़ाई है, एक एक मार्क्स पे इंसान 100 रैंक ऊपर पहुंच जाता है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हाँ नहीं बेटा, डू नॉट टेक दिस लाइटली, एक ही मार्क पे 50-50 लोग होते हैं, जिसके लीगल में ज्यादा होते हैं उसकी रैंक ऊपर मानी जाती है। रोशन, मैंने एग्जाम दिया था 2014 में, और मेरे टाइम पे 200 मार्क्स का पेपर होता था। प्लीज टेक दिस वेरी वेरी सीरियसली, ऐसे मत सोचना कि ठीक है 2-3 मार्क्स की बात है। हाँ 200 क्वेश्चंस फॉर 2 आवर्स। इतना सारा इजी नहीं आता बेटा, कभी कभी अच्छा खासा मैथ चल जाता है, ना नहीं आ जाती मैथ देख के। चलो आंसर बताओ मुझे, उत्कर्ष सेज डी, आई थिंक 2011 के पेपर में अच्छी खासी बहुत अच्छी मैथ आई थी। बट आई एम टेलिंग यू फॉर अ फैक्ट, अगर आपको 4 क्वेश्चन में से 2 आते हो ना बेटा, आई एम टेलिंग यू, अगर 2 ऑप्शन आपको आते हो वो क्वेश्चन जरूर अटेंड करना, ठीक है? डू नॉट लीव दैट क्वेश्चन। गुरसिमरन सेज ए, ज्योति सेज ए, राहुल सेज ए, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पर अटेंड करना, क्योंकि अगर तुम अटेंड ही नहीं करोगे तो तुम्हारे मार्क्स ही नहीं बढ़ेंगे, तो वैसे भी सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे ना। रोशन सेज बी, अहमद सेज ए, हर्षित सेज ए, वेदांश, अभिषेक, वैदेही सेज ए। देखो एक चीज है, तुम अटेंड ही नहीं कर रहे तो वैसे भी तुम ज्यादा सेफ खेल रहे हो, तो हो सकता है सिलेक्शन नहीं होगा, एटलीस्ट अटेंड करोगे तो 50% चांस तो बढ़ेगा ना कि हाँ हो सकता है तुम्हारे सिलेक्शन हो जाए। अवनीश सेज क्यू, बेटा क्यू आंसर नहीं है, ये कौन सा वाला? अच्छा ए। सरबजीत सेज ए,
रितेश सेज A191, A gives rupees 10 lakh on condition that B shall marry A's daughter C. C was dead. अच्छा ठीक है, हाँ A is absolutely correct. यहाँ पे जो probability impossibility हो गई क्योंकि C तो मर गई है, तो obviously यहाँ पे कोई फर्क, अब वो contract नहीं हो सकता है. Principle समझा दूँ? उत्कर्ष बेटा ए आंसर होगा. एन इंटरेस्ट विच इज क्रिएटेड ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड डिपेंड्स अपॉन द फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन. अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई कंडीशन है, ठीक है, जिससे दूसरे इंसान को कुछ मिलेगा, ठीक है, जैसे कि पैसे मिलेंगे, प्रॉपर्टी मिलेगी या कोई भी इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा ना, तो वो चीज फेल हो जाएगी. कब फेल हो जाएगी? इफ द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन इज इम्पॉसिबल. जिस कंडीशन के बेसिस पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो कंडीशन अब फुलफिल ही नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल हो गई है. जैसे यहाँ पे सी मर गई, ये इम्पॉसिबल हो गया. या फिर लॉ ने फॉरबिड कर रखा है ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कि तू उसकी जान ले ले, मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा. दिस इज फॉरबिडन बाय लॉ, दिस इज अ क्राइम और इज ऑफ सच अ नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ और इज फ्रॉडुलेंट. या फिर ऐसी कोई चीज है कि अगर परमिट कर भी दिया तो लॉ के अगेंस्ट हो जाएगा या फ्रॉडुलेंट है, या फिर इंजरी कर देगा सामने वाले पर्सन को, या फिर इमोरल होगा, या फिर इम्पोज टू पब्लिक पॉलिसी होगी, ऐसी कोई भी कंडीशन होगी जो लॉ के खिलाफ है, तो ऐसे इंटरेस्ट को हम फुलफिल नहीं कर सकते. ठीक है, चलो पूजा, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. क्वेश्चन ना है लेकिन दो आप एलिमिनेट कर सकते हो. ठीक है, जैसे यहाँ पे चार ऑप्शन है ना, चार में से अगर दो आप एलिमिनेट कर सकते हो, सिर्फ दो में कंफ्यूजन है, तो अटेंड करना उस क्वेश्चन को. ठीक है, सैमसंग समझ में आ गया प्रिंसिपल बेटा? ए वॉज करेक्ट साई. वाई नॉट बी क्या था बेटा? इमोरैलिटी थोड़ी है, सी वॉज डेड. अगर कोई डेड हो जाता है तो इम्पॉसिबल हो गया ना अब कॉन्ट्रैक्ट करना, मतलब डेड हो गया है, मतलब अब ऐसे हेवन या हेल से नहीं बुला सकते, थोड़ी सी दिक्कत है. उप्स. अनुराग सेज ए. चलो बताओ क्या होगा आंसर इसका. बैक टू द क्वेश्चन गाइज, मुझे लगता है हम ये नहीं खत्म कर पाएंगे, कल भी हमें इसके 7-8 क्वेश्चन करने पड़ेंगे और फिर हम शुरू करेंगे क्लैट 2012. आयुषी सेज बी, शिका सेज ए, वैदी सेज ए, अनुराग सेज ए, अभिषेक सेज ए, हर्ष सेज ए, गुरसिमरन सेज बी, सैमसंग सेज बी, उत्कर्ष सेज ए 192, राहुल सेज बी 192. ए ट्रांसफर 5000 रुपए दैट ही शैल मैरी विद द कंसेंट ऑफ सी डी एंड ई. अरे तुम क्या कर रहे हो? रितेश सेज ए, अपना सेज बी. प्रिंसिपल क्या बोलता है? कंडीशन प्रीसीडेंट, एक कंडीशन जो पहले डिसाइड करी होगी, करी गई हो, मस्ट बी कंप्लाइड विद. कब कब उसे पूरा कर देना चाहिए? बिफोर द हैपनिंग ऑफ द इवेंट, इवेंट होने से पहले पूरा कर देना चाहिए. टू विच सच अ कंडीशन इज अटैच. फुलफिलमेंट ऑफ सच अ कंडीशन आफ्टर द इवेंट इज नो फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन. अगर आप बाद में इसको फुलफिल करते हो तो वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है. इट मस्ट बी कंप्लाइड विद बिफोर. क्या यहाँ पे बिफोर कंप्लाई हो रही है? नहीं हो रही. क्या यहाँ पे बाद में कंप्लाई हो रही है? बाद में कंप्लाई हो रही है. लेकिन यहाँ क्या लिखा है? अगर बाद में कंप्लाई होगी तो नो फुलफिलमेंट होगी, तो बी हैज नॉट फुलफिल्ड द कंडीशन ना. बी होगा ना आंसर. मैंने ऐसा सेम क्वेश्चन करा रखा है पर उसमें यहाँ नो नहीं लिखा था, यहाँ पे लिखा था इज फुलफिलमेंट. फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन आफ्टर द हैपनिंग इज ऑल्सो फुलफिलमेंट, तो वहां पे आंसर यही होता. लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो फुलफिलमेंट है. बाद में अगर आप उस कंडीशन को फुल करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, तो बी हैज नॉट फुलफिल्ड द कंडीशन. नहीं तो बहुत आसान था, तुम यहाँ पे क्या गड़बड़ कर गए? ठीक है, द आंसर इज बी. Now we'll have a class at 1 o'clock. ठीक है, 1 PM Unacademy की क्लास करते हैं. हाँ यहाँ पे प्रिंसिपल बदल गया बेटा. प्रिंसिपल पढ़ लेना, इंसान बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे, आंसर भी बदल जाएगा. अंडरस्टैंड दिस, ओके? प्लीज रीड द प्रिंसिपल फैक्ट्स ऑल्सो. हो सकता है हमने वैसा क्वेश्चन किया हो लेकिन अगर फैक्ट्स डिफरेंट है तो आंसर डिफरेंट होगा. इतनी सी बात है, इतनी सी ही बात समझनी है. चलो 1 PM DPSP क्लास. बाय एवरीवन, थैंक यू.